हेलो फ्रेंड्स, सिंपल वीडियोस इन कुकिंग में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको शादी में जो सूखे काले चने बनते हैं वैसे चने बनाना बताऊंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन आता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि जो मैं नई रेसिपी डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले, और कोई भी रेसिपी आप मेरी रेसिपी मिस ना कर पाए। तो आइए हम देखते हैं शादी जैसे सूखे काले चने बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज। ये मैंने प्याज लिया है, 2 मीडियम आकार के प्याज लिए हैं और इनको बारीक काट लिया है। ये हींग, जीरा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, राई, ये तेल सब्जी छौंकने के लिए, और ये धनिया पाउडर, ये नमक, ये हरी मिर्च। ये मैंने 2 हरी मिर्च ली है जिसको बारीक बारीक काट लिया है। ये लहसुन का पेस्ट है, ये लहसुन को मैंने बारीक बारीक कूट लिया है, आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं। ये मैंने तेज पत्ता लिया है, ये मैंने 2 तेज पत्ते लिए हैं। ये नींबू, नींबू हम जब चने बन जाएंगे उसके बाद जैसे आप खाने वाले की प्लेट में डालेंगे वो अपने हिसाब से नींबू का यूज़ करेंगे। और ये जो मेन जो हमारा चने का सामान है वो है चने। ये चने मैंने रात भर के लिए भिगो दिए हैं और इसको अच्छे से साफ पानी में धो लिया है, और हम इसको बनाएंगे। चने आप 6-7 घंटे के लिए भिगो सकते हैं, चाहे पूरी रात भी भिगो सकते हैं, और अगर आप जैसे सुबह भिगो के शाम को भी बना सकते हैं, और अगर सुबह बना रहे हो तो शाम को रात को भिगो सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चने बनाना। तो सबसे पहले हम एक कुकर चढ़ाएंगे। मैं आपको बिना उबाले सूखे चने बनाना बता रही हूँ, मैं इसको उबाल नहीं रही हूँ, मैं इसको डायरेक्ट बनाऊंगी जैसे शादी में हलवाई लोग बनाते हैं उस स्टाइल से मैं ये चने बनाऊंगी। तो हमारा कुकर गर्म हो गया है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये 1 बड़ा चम्मच तेल का डालेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा सा तेल और डालेंगे, इसमें थोड़ा तेल ज़्यादा डालते हैं तो ये बहुत अच्छे बनते हैं। ये मैंने 1.5 चम्मच तेल का डाला है, ये आप चम्मच की साइज देख सकते हैं। अब हमारा तेल गर्म होने देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे। ये देखिए, आप चम्मच की साइज देख सकते हैं, 1/2 चम्मच में इसमें जीरा डाल रही हूँ। 1/2 चम्मच इसमें राई डालेंगे। गैस को हम कम कर देंगे। हमारा जीरा और राई चटकने लगे हैं। अब हम इसमें ये हींग डालेंगे। हींग हम 1/2 से थोड़ा कम चम्मच डालेंगे। हींग से चने पचने में ठीक रहते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे, इसको 2 मिनट के लिए भून देंगे। हमारी गैस बिल्कुल कम है। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे। अब हम इसको 2 सेकंड के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे, और बिल्कुल गैस इसमें लो कर रखी है हमने। अब जब तक हमारा प्याज भुनता है तब तक हम हमारा जो मसाला है वो तैयार कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने जो लहसुन लिया है उसमें हम हमारे मसाले डालेंगे। ये मैं 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप मिर्च अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसमें हम नमक डालेंगे 1 चम्मच। इसमें ये 2 चम्मच हम हरा जो धनिया पाउडर होता है वो डाल रहे हैं। हम धनिया इसमें ज़्यादा रखेंगे, धनिया से ये बहुत टेस्टी बनते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। फ्रेंड्स, ये जो शादी में हलवाई सूखे चने बनाते हैं ये उनका सीक्रेट है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे।
इसको पानी डाल के एक गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये ऐसे पेस्ट करके लहसुन का और जो बाकी मसाले होते हैं, हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, इसका इस तरह से पेस्ट बना के हम जो प्याज और मिर्च का जो हमारा जो भुना हुआ जो प्याज है उसके अंदर हम ये डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें ये तेज पत्ता डालेंगे, ये हरी मिर्च डालेंगे, इसको भी हम चला देंगे। अब हम इसमें जो ये हमने मसाला तैयार किया है ये डालेंगे। ऐसे मसाला तैयार करने से ये जो सूखे काले चने ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये हलवाई लोगों का सीक्रेट होता है। ये हलवाई जो होते हैं वो इसी तरह से मसाले को गीला करके थोड़ा सा इसमें पानी डाल के फिर ये तेल में डालते हैं। अब हम इसको तेज कर देंगे और तेज गैस पे इसको 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला अब अच्छे से भुन गया है। ये देखिए, पूरा तेल छोड़ दिया है मसाले ने, कितना अच्छा कलर भी आया है इसका। अब हम इसमें हमारे जो चने हैं वो डाल देंगे। ये पूरे चने डाल देंगे इसके अंदर। आप चने अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितने आपके मेंबर हो उस हिसाब से आप चने ले सकते हैं। मैंने 1.5 कप चने लिए थे। अब हम इसको अच्छे से चला लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे चने डाल दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और इस चनों में जो पानी था वो भी इसमें डल गया। लगभग इसमें 1 आधा गिलास पानी का था। और अब हम इसमें ये 1 गिलास पानी का और डाल रहे हैं, जो हमने मसाला बनाया था उस कटोरे में को धो के इसमें डाल देंगे। और एक मैंने इसमें टोटल 1.5 गिलास पानी डाला है। अब इसमें उबाल आने के बाद हम इसमें सीटी लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो चने हैं उनमें उबाल आ रहा है, ये देखिए। अब हम इस पे ढक्कन लगाएंगे और कम से कम 8, लास्ट 7 या 8 सीटी तक हम इसको पकाएंगे। 8 सीटी आने देंगे इसको और फिर इसका प्रेशर खत्म होने के बाद इसको खोल के चेक करेंगे। इस तरह से हम प्रेशर इसको ढक्कन लगा देंगे और 8 सीटी आने देंगे ताकि हमारे चने अच्छे से पक जाए और अच्छे से पूरा पानी हमारे चने सोख ले। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमने इसके 7 से 8 सीटी लगा लिए। अब हम इसको चेक करते हैं और इसका प्रेशर भी खत्म हो गया है। अब हम इसको खोलते हैं कि हमारे चने, ये देखिए, हमारे चने अच्छे से पक गए। पूरा पानी, ये देखिए, पूरा पानी सूख गया है। मैंने इसमें पूरे 1.5 गिलास पानी का डाला था, ये देखिए। और अगर आपका पानी कभी नहीं सूखता है, अगर ज़्यादा डल गया हो, तो आप इसमें सीटी चेक करके इसमें सीटी और लगा सकते हैं। अब इसमें अब हम मैं इसको सर्विंग प्लेट में निकालूंगी। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे शादी जैसे सूखे काले हरे काले चने बनके तैयार हो गए। ये देखिए कितने टेस्टी बने हैं। ये देखिए, इसका कलर भी बहुत अच्छा है। आप इसको नींबू के साथ में इसको खा सकते हैं। नींबू निचोड़ के आप जैसे भी खाने वाला उसकी प्लेट में डालेंगे, फिर नींबू डाल के वो खा सकते हैं। अगर उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और आप अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।